जी खाओ जी खाओ। चाची बढ़िया सब, और कुछ चाहिए? और चाचा ओ बढ़िया है सब, बढ़िया ना मजे में। देखो जी हम हैं लड़की के भाई, तो भाई हम नहीं चाहते कि कल के दिन जब ससुराल जाए हमारी बहन तो हमारी बहन को कोई ताने मारे। हाँ नहीं तो वो खा जी सबको दो। अरे आप सब्जी और पूरी खत्म हो रही है और मंगा दो। अरे और क्या मंगा दो, रो क्यों रहा है? और खत्म हो गई तो लेके आना, भारत में आ गया, तेरी भी तो बहन की शादी है। चल आ रही जी पूड़ियां आ रही हैं। ओ बिल्लू ले लो ले लो। लो जी लो जी आ जाओ जी। कुछ चाहिए आपको? गलती होगी कुछ? कमकट मारे कान में रुए ठूस के बैठा तू, इतनी देर से आवाजें लगा रही हो यहाँ से चले। बताइए बात क्या है? सुन हमारी दीदी के दिल का जहाज तेरे प्यार के समंदर में लौट गया है। फिर मत कहना नसीबन लूट गई, देख ले अपनी बकरे जैसी आंखों से मनोज। ये आपकी दीदी है? और नहीं तो क्या, मनुष्य तेरे खानदान का कोई ऐसा हो सकता है मनुष्यों की शक्ल वालों? चल मनुष्य यही मरेगा क्या खुशी से? मैं आपको लड़के वालों की खातिर करते हुए बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप जैसा इंतजामिया लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? मूड जी, मूड तो आपको देखते ही बन गया था। मैं तो नाम पूछ रही हूँ। नहीं मूड ही नाम है हमारा। और आपका? मैं तो आपकी हूँ। मेरी है? मनुज गटर के कीड़े, दीदी नाम बता रही है अपना आपकी। आपकी नाम है उनका आपकी अग्रवाल। दीदी के मन की बात तो ये है कि जवान है, कमसिन है, हसीन है, अरे अच्छे अच्छे लड़के मर जाते हैं इन पे। हाँ लेकिन ये चाहती हैं कि जब किसी मनुष्य को देख के सुलग जाएगा इनके दिल का चूल्हा, उसी को बनाएंगी अपना दूल्हा। फिर मत कहना नसीबन लूट गई। नसीबन यही है वो जिनसे हो गया है मुझे प्यार। ये क्या? अरे इधर राजा मनुज, मर जाएगा क्या खुशी से? गिरगिट की शक्ल क्या, सुन ले देख। वैसे मैं किसी को बताती नहीं हूँ पर तुझे बता रही हूँ मनुज को। मैं इनकी नौकरानी हूँ और इनके दिल की सब बात जानती हूँ। इनका दिल तुझ पे आ गया मनुज। हाँ करोड़ों की मालकिन है। लेकिन लेकिन ये है कौन? तेरे बहन के दूल्हे की मौसी की बेटी है ये। ही? और नहीं तो क्या, करोड़ों की मालकिन है। मैं तो कहती हूँ कल ही अपने घर वालों को लेके दीदी के माँ बाप से मिलने पहुँच जा मनुज मारे। लगा लगाया मंडप है, तेरी भी शादी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा मनुष्य मारे तेरे मनुष्यत की शक्ल के। फिर मत कहना नसीबन लूट गई। अबे गुलगुले तू भी आएगा हमारे कपड़े ले लेना बे। क्या बे? माफ कीजिएगा। अबे अंडा। अंडा कैसा है नवाब? हम हैं अंडा मेहरा पहन के सहरा। हम ये बात बताने आए थे कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, कल शाम को शादी है। बस ये डर लग रहा है कि अब की बार कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ दूल्हा है हम।
अरे यार तुम ये टेंशन का टमाटर छोड़ो और भूल जाओ चिंता की चटनी, क्योंकि अब वो मूडी बन के रहेगी तुम्हारी पटनी। Well, फूफा जी आप आ गए हैं फ्रॉम अलीगढ़ इज़दा, अब ये भी जाएगा घोड़ी चढ़ इज़दा। अरे दादाजी, अरे दो बार ये चढ़ चुका है लेकिन एक बार भी शादी नहीं हुई है इसकी। अरे इसीलिए तो मैं डरता हूँ, सरकारी नौकर हूँ भाई। अबे इस बार इसकी शादी होके रहेगी क्योंकि हम मौजूद होंगे, हम मतलब हम सब इस शादी में मौजूद रहेंगे, समझ गए? ना कोई आंधी ना कोई तूफान इसकी शादी को रोक सकता है। हम कह रहे हैं, हम मतलब बजरंग पांडे, सन ऑफ चबूतरा पांडे। नमस्ते कहना हमारा। चलो निकलो निकलो, डोंट प्रॉब्लम डोंट प्रॉब्लम। मैंने फूफा रूपा आओ यार। आइए कहाँ से भैया? अरे हाथ छोड़ बे। अबे अटक गया, निकाल। किसने मोड़ दिया सर? सारी तैयारी हो गई है। मैडम वो सर, हाँ हाँ तैयारी तो हो गई मैडम, सब सब रेडी है सर। मैडम केला चल, चल। अंकल जी, मालिक मालकिन देखिए कोई मनहूस आपसे मिलने आए हैं। कौन है ये लोग? वैसे शक्ल से तो बहुत ही मामूली टाइप के लगते हैं। क्यों आपकी केदारी जी? बताइए क्या काम है आपको? जी बहन जी, मैं कह रही थी कि फोन है। हेलो, हाँ मैनेजर। ओफो मैनेजर, तुमसे कितनी बार कहा है कि ये 10-20 करोड़ के छोटे अमाउंट के लिए फोन मत किया करो। अरे महीने की 10 लाख की सैलरी हम तुम्हें क्यों देते हैं? रखो फोन, छोटे छोटे अमाउंट के लिए फोन कर देते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं हूँ बड़ी मुड़ी, जिसकी शादी में आप लोग आए हैं ना, वो हमारी बिटिया है मुड़ी। हम दोनों बहने लगती हैं। और ये है हमारा बेटा मूड। कौन? हाँ मेंढक की शक्ल वाला डड्डू मुहा। भाई साहब, आप मजाक तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। वो क्या है ना कि हमारे बेटे की नजर मिली आपकी बेटी से और आपकी बेटी की नजर मिली हमारे बेटे से। क्या बकवास कर रहे हो तुसी? हैं? किथे साड़ी रानी जैसी बेटी, किथे असरानी जैसा तुहाडा पुत्र है? अंकल जी, हमारी मम्मी जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, यकीन ना आए तो अपनी नौकरानी से पूछ लीजिए। नसीबान नसीबान बकना बुढ़िया। नसीबान ये क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या करूं मालकिन, दीदी ने तो कह दिया है कि ये भोंडी शक्ल का पसंद है उनको। नहीं, बाकी आगे फैसला तो आप लोगों को करना है ना, मुंह नोच लूंगी तेरा। नौकरानी कहीं की? देखो जी, मैं पियू हूँ जी। कौन सी स्कूल में प्यून है? मैं चपेड़ मारूंगा मुंह ते। प्यून नहीं, प्यू मतलब मैं कुड़ी दा डैडी हूं। एन सुन लिया। तेरे कान बहुत चल रहे मनुष। कोई गल नहीं कोई गल नहीं, देखो मैं अपनी कुड़ी दा व्याह उत्थे करांगा जेड़ा मुंडा मेरी कुड़ी नू बहुत प्यार करदा होवे और अपना प्यार साबित कर सके। ते अपना की ना लाला गेंदा चंद जी है ना, उन्हां दे मुंडे दा रिश्ता आया सी, ओह आंदा ही होवेगा, समझे? नहीं होगा अंकल जी, आगे हम
हम आगे आगे सेठ गेंदा चंद का बेटा गुलाब चंद आ गए। धन्यवाद हमारे के आपने अपनी बेटी का हाथ हमें दे दिया। आंटी जी अंकल जी गुलाब गुलाब बेटा अभी हाथ दिया नहीं है, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारी बेटी के लिए कर क्या सकते हो। यस साबित कर सकते हैं, साबित ये है साबित जो किए हमारा घर हमारा दुकान कुल मिला के 8 करोड़ का है। ये जायदाद हम आपकी बेटी के नाम कर दिए है। हाँ सदके जामा पुत्र मैं बहुत खुश हो गया, मैं अपनी कुड़ी का विवाह तेरे नाल ही करांगा। अरे अंकल जी तो क्या हम यहाँ पे घास छीन ले आए क्या? चुप मामूली लोग नसीबन धक्के मार के इन्हें घर के बाहर निकाल दो, अभी निकाल दो। बहन जी आप हमारी बात तो सुनिए, मौका तो दो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? चल भैया चल, छोड़ नौकरानी कहीं के छोड़। पूर पीपल आउट टक टक। अरे चल मम्मी कहाँ चल चल मम्मी मम्मी चल मम्मी यही है। जीती रहो। मूड बताओ ना रिश्ता पक्का हो गया? अरे क्या पक्का हो गया? तुम्हारी मम्मी ने हमारी इज्जत के अंडे उबाल दिए, बाद में उनको छील दिया ऐसे। हाँ नहीं तो। अरे बिटिया तुम तो हमारे मूड से शादी करने के लिए तैयार हो, पर तुम्हारे घर वाले हैं ना ये होने ना देंगे। हम दोनों बहने लगती हैं। चल हट। अरे तुम्हारी मम्मी ने बाल्टे भर भर की हमारी बेइज्जती की है, और यकीन ना तो ये कड़ी है, पूछ लो इस नसीबन से। कमबख्त मारी, मैं नौकरानी हूँ, मैं मेरे को मालिक मालकिन जो बोलेंगे करने को वो मैं करूंगी ना, कि अपने मन से करूंगी, मुंह नोच लूंगी तेरा। मूड आई एम वेरी एंग्री विद यू, तुमने तो मेरे अरमानों का टकला ही मूड दिया। देखो अगर तुम मम्मी पापा के सामने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दोगे तो एक बार शादी हो गई तो जो मेरा है वो तो तुम्हारा ही हो जाएगा ना। yeah. और जो तुम्हारा है वो भी तो तुम्हारा ही रहेगा। yeah. यानी कि जो भी तुम मम्मी पापा के सामने साइन करोगे अपना मेरे नाम करने के लिए, शादी के बाद वो सब तुम्हें वापस ही तो मिल जाएगा ना। सही सोच रही है मम्मी। अरे बेटा हमने तो ये सोचा ही नहीं था। मनुष्य बुढ़िया ज्यादा मत सोच ले अब तू, कल आ जाना दीदी के मम्मी पापा से मिलने। चल अभी निकल यहां से मनुष्य क्षेत्र पिटारी। ठीक है हमारा सब कुछ हम तुम्हारे नाम पे करने कल घर आ जाएंगे। ठीक है चल बेटा। चलो जाओ अब ज्यादा टाइम पास मत करो। ठीक है चीख मत बुढ़िया, कान की डब्बी फेंक के मारूंगी, निकल मनुष्य कहीं के। चलो ट्रक के नीचे दे दूंगी दोनों को। वेट करना चल बे चल। ये बच्चे मम्मी। हाँ नहीं तो बहन जी ये आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन बहन जी इस तरह आपने अपने 12 करोड़ का सब कुछ हमारी बेटी के नाम कर दिया, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो जी पहना दी साढ़े को कोई कमी है नहीं है जी। हम तो जी बस आपका दिल देख रहे थे, बस अब ये रिश्ता पक्का समझो है जी। अंकल जी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ नहीं तो कि हमारी बहन है मूडी, तो उसकी शादी में ना हमने वो सीतापुर वाला मकान है ना वो लड़के वालों को देने को कहा था, लेकिन वो भी हमने आपकी बेटी जो है ना आपकी उसी के नाम कर दिया है। हाँ नहीं तो बेटा उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, वो लड़के वाले हमारे रिश्तेदार हैं, शादी के मंडप में हम उनसे कह देंगे कि वो मकान अभी हमारे पास है और वो हम उन्हें दे देंगे तो बस वो मान जाएंगे। वैसे बहुत अमीर हैं हम, हमें कोई कमी थोड़ी ना है। बहन जी आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी, हम दोनों ना बहने लगती है। हाँ नहीं तो। मुबारक।
समय हो गया है, वर वधु के फेरे होंगे। अरे पंडित जी, अरे ऐसे कैसे फेरे होंगे है? एक मिनट रुको भाई। अरे क्या है ना कि जो लड़की वाले हैं उन्होंने हमसे कहा था कि फेरों से पहले जो है वो सीतापुर वाला जो मकान है ना वो लड़के के नाम पे कर देंगे। सरकारी नौकर हूँ भाई, क्यों भतीजे? अरे हाँ हाँ, अरे मोड़ वो मकान के कागज कहाँ है? हैं? हाँ हाँ वो हाँ अब हाँ हाँ हा, नहीं तो अरे कहाँ नहीं तो। अरे देखो भैया, ऐसा है कि अगर कागज नहीं तो ये शादी नहीं। क्या है ना कि बस आपके रिश्तेदार आते ही होंगे, उनकी बेटी है ना आपकी, उसके साथ हमने हमारे मूड की शादी तय की है, वो देंगे आपको मकान। आई, 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 हम दोनों बहने लगती है। अरे हम है अंडा मेहरा, पहन के सेहरा, आप किसकी बात कर रहे हैं? दूल्हा है हम। अरे हाँ दूल्हा, अरे वो आपकी मौसी की बेटी है ना आपकी। हाँ, अरे हमारी कोई मौसी नहीं है तो उसकी बेटी कहाँ से होगी? दूल्हा है हम। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अरे ए भगवान, अरे बेटा मूड बोलो, हमें चूना लगा गए, हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए, अब क्या होगा? अरे भाई साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते, ये रिश्ता मत तोड़िए, ठुकरा के मत जाइए भाई साहब। नहीं नहीं बहन जी, अगर कागज नहीं तो ये शादी नहीं। ए अंडे उड़ो, रुकिए रुकिए, मैं अपना मकान आपके नाम कर दूंगा, तबले बेच दूंगा। नहीं ये तुम क्या कह रहे हो चंद कुमार, वो मकान ही तो तुम्हारा अकेला सहारा है, वो भी तुम इनके नाम कर दोगे और मुझे किसी और के हो जाने दोगे? मूड खराब हो गया। हाँ, क्योंकि ये सब लोग हमें एक नहीं होने देंगे। हाय, इसलिए मैं अपना प्यार कुर्बान कर रहा हूँ, तबले बेच दूंगा। अरे एक सेकंड, तुम साइड हो यार। अरे ये हो क्या रहा है यार? मैं बताती हूँ। अरे मैं बताती, ऐसा है, यो तुम्हारी जो है बहन और यो थारा दोस्त चंद कुमार, यो दोनों बालक आपस में प्रेम करें, वो भी सच्चा वाला, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे की आंखों पर पड़ी है जो है ना लालच की पट्टी बंधी से, बिल्कुल ही जो है एक ओवर एज आदमी से शादी करा रहे हो अपनी बहन की, सिर्फ अमीर घराने में रिश्ता जोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं दोनों। इसकी क्या गलती है बेचारे चंद कुमार की है कि वो गरीब से, देखो देखो जरा दिल का कितना अमीर आदमी है, यो अपना घर तक तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहा है अपने प्यार के लिए। तुम्हें अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो उसका ख्याल रखे, उसे ध्यान से रखे, जो ये चंद कुमार है। या शी इज राइट बॉय इज द, जो इसे देगा खुशियों के टॉय इज द। दोस्त, लेकिन दौलत वालों के साथ रिश्ता करने के चक्कर में तुम लोग अपना सब कुछ लुटा चुके हो, नसीबन लूट गई। नसीबन सुनो मूड, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ही हूँ आपकी, वो है नसीबन। कम्मा कतमारी बुढ़िया, यो डैडी यो मम्मी और यो है सेठ जी का लौंडा। What? You poor people? मैं सब मिले हुए हैं ये सब। मैडम जी थैंक यू। अच्छा आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुड़ी की शादी चंद कुमार से ही होगी। क्या बात! वैसे हम दोनों माँ बेटी ही लगती है। हाँ ये बात तुमने सही कही, और ये देश के लालची लोग जाएंगे सीधे जेल में। ऊपर ऊपर सरकारी नौकर हो ना? हाँ हाँ, सरकारी मेहमान बनने का टाइम हो गया तुम्हारा। चलो हैप्पी एंडिंग तो हो ही गई है, तो ऐसे खुशी के मौके पे जरा कुछ मीठा तो हो जाए, और साथ साथ में अगर कुछ नाच गाना हो जाए तो और बेहतर है।